हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनेबल वन। आज आपके लिए जो मैं लेके आया हूँ वो है संडे मोटिवेशन स्टोरी। देखिए, आपको जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, हर संडे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक मोटिवेशन स्टोरी सुनाऊँ, क्योंकि अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाना इतना आसान काम नहीं होता। और जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार भी आलस कर गए तो आप थोड़ा सा दूर हो सकते हैं अपनी मंजिल से। तो इसलिए हर संडे मैं कोशिश करता हूँ स्टोरी के जरिए आपको कुछ सिखाने की, कुछ सीख देने की। आज की स्टोरी का जो शीर्षक है वह है किसान का धैर्य। धैर्य क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है बहुत जल्दी कुछ दुखी होता है, हमारे साथ बुरा होता है, हम दुखी हो जाते हैं, कोसने लगते हैं दूसरों को। कुछ अच्छा होता है, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तो आज इस स्टोरी से आप सीखेंगे कि हमें कैसे खराब परिस्थितियों में भी धैर्य रखना चाहिए ताकि हमारी लाइफ और अच्छी हो सके। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी में जो मैंने शीर्षक बताया आपको वह है किसान का धैर्य। होता क्या है कि एक बार एक किसान के पास एक घोड़ा होता है जिसे वो बहुत प्रेम करता है, अपने बेटे की तरह पालता है, पाल पोस के बड़ा करता है, खिलाता है, पिलाता है, सब कुछ करता है। एक दिन अचानक होता है उसका घोड़ा कहीं चला जाता है, कहीं भाग जाता है। अब लोग बेचारे सांत्वना देने आते हैं कि अरे अरे, बड़ा बुरा हुआ आपके साथ, आपका इतना प्यारा घोड़ा था, आप इतना प्यार करते थे उससे, वो भाग गया आपको छोड़ के, बड़ा ही बुरा घोड़ा था, और भगवान आपको सांत्वना दे, भगवान आपको हिम्मत दे इसको सहने की, और इस तरीके से बातें करने लगते हैं। किसान कुछ नहीं बोलता, बड़े धैर्य से बोलता है कि हाँ, मेरे साथ बुरा हुआ, चले जाता है। अगले दिन क्या होता है, उसका घोड़ा वापस लौट आता है और साथ में 3 जंगली घोड़े और लेके आता है अपने साथ। अब ये देखकर किसान खुश होता है, साथ साथ जो आस पड़ोसी होते हैं वो आते हैं, अरे अरे, बड़ा अच्छा हुआ यार आपका घोड़ा तो 3 घोड़े लेके आया, आपका तो फायदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत बहुत बड़ी बड़ी तारीफ करने लगते हैं। अब क्या होता है फिर, तो जब बहुत सारी तारीफें करने लगते हैं तो किसान फिर धैर्य से बोलता है कि हाँ, शायद ये अच्छा हुआ कि मेरे पास और 3 घोड़े एक्स्ट्रा आ गए। फिर भी वो ज़्यादा कोई खुशी जाहिर नहीं करता। अब होता क्या है, वो जंगली घोड़े होते हैं धीरे धीरे, उनका बेटा जो होता है किसान का, वो उसको काम करने के लिए, अपने काम में यूज़ करने के लिए उसको ट्रेनिंग दे रहा होता है। अब ट्रेनिंग के दौरान एक जंगली घोड़ा उनमें से लात मारता है और उसका जो बेटा होता है पीछे आगे गिरता है, उसका पैर टूट जाता है। अब जब उसका पैर टूट जाता है तो फिर गांव वाले आते हैं और सब कहते हैं कि अरे यार, ये तो बड़ा बुरा हुआ आपके बेटे का पैर टूट गया, अच्छा तो ये घोड़े नहीं आते, ये जंगली घोड़ा था, पागल घोड़ा था, और इसने आपके बेटे का पैर तोड़ दिया, कितना बुरा हुआ। तो किसान कहता है हाँ, शायद ये बुरा हुआ और मेरे बेटे का पैर टूट गया, ये गलत हुआ। लेकिन वो कुछ नहीं कहता, बड़े धैर्य से ये बात बोल देता है, बोले ठीक है। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद चलता है, बोले ठीक है, पैर हो गया, उसके इलाज वलाज कराता है। कुछ टाइम बाद होता यह है कि जो उसके देश में जंग लड़ जाती है। अब जंग होती है तो आर्मी की ज़रूरत होती है, और आर्मी की ज़रूरत के लिए क्या होता है कि वो लोग ज़बरदस्ती जवान लोगों को लेके जा रहे थे, क्योंकि पता था कि जो लोग जाएंगे वो मरेंगे, वापस नहीं आएंगे। तो सबके घरों से ज़बरदस्ती देश के लोग उन जवान लड़कों को ले रहे थे और उनको ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करके ऐसी जगह भेज रहे थे जहाँ से सबको पता था कि वापस नहीं आएंगे। तो जब आते हैं लेने, सबके घरों से वो जवान जवान लोगों को ले जाते हैं, लेकिन देखते हैं इसका पैर टूटा हुआ होता है किसान के बेटे का, और क्योंकि किसान के बेटे का पैर टूटा हुआ होता है तो वो उसको लेके नहीं जाते कि ये पैर टूटा हुआ है, कहाँ इसका इलाज करेंगे, ये इसको, ये जंग लड़ेगा, तो उसको वहाँ वो छोड़ जाते हैं और बाकी सभी जवान लोगों को ले जाते हैं। अब ये देखकर गांव वाले आते हैं, बड़े यार तुम तो बड़े किस्मत वाले हो, बड़े लक्की हो, तुम्हारे बेटा अब जिंदा रहेगा, तुम्हारे पास रह पाएगा, हम सब तो अनाथ हो गए, हमारा मतलब हमारा बच्चा चला गया, हमारा पूरी ज़िंदगी चली गई, हमने पाल पोस के बड़ा किया और इन लोगों ने ज़बरदस्ती उसे ऐसी जगह भेज दिया जहाँ से वो वापस नहीं आएगा। तो किसान कहता है कि हाँ, ये बहुत खुशी की बात है और अच्छा है कि मेरा बेटा मेरे पास रहेगा। अब होता क्या है फिर, तो होता यही है कि अब बसता क्या है, सबके सारे जवान लोग चले जाते हैं, सिर्फ किसान और किसान का बेटा जो जवान बसता है, किसान का बेटा बसता है, बाकी सब लोग चले गए होते हैं। तो इस कहानी से आपको सीखने को क्या मिला कि हम लोग बहुत जल्दी ना कुछ बुरा होता है एकदम से कहने लगते हैं कि ये कोसने लगते कि ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। आपको हर परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखना है। आपने एक कहावत सुनी होगी जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने पुराने जमाने में बनाई है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप अगर जरा जरा सी बातों पर रिएक्ट करने लगोगे, उस पर अपना भावनाओं को प्रकट करने लगोगे तो वो अच्छा नहीं है। अगर किसी के साथ कुछ बुरा भी हो रहा है, हो सकता है उसमें भी आपका अच्छा छिपा हुआ हो, जैसे कि आपको इस कहानी से सीख मिली कि अगर पैर नहीं टूटता तो आज उसकी जान गई होती, अगर घोड़ा भागता नहीं तो 3 घोड़े और नहीं आते। तो आपको समझना क्या है, आपको समझना ये कि हो सकता है आपके साथ अगर वो कुछ बुरा हो रहा है, जो कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, तो हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ और सोच के रखा हो, कुछ अच्छा सोच के रखा हो। तो कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना, हमें और मेहनत करनी है और अपने आप को इस काबिल बनाना है कि मैं उससे और बेहतर पा सकूँ। तो आपको बस 3 चीज़ें करनी है। पहला, अगर कभी भी किसी पेपर में सिलेक्शन ना हो तो हमें उदास नहीं होना कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, आपको और मेहनत करनी है। अगर किसी
किसी भी एग्जाम में आपने बहुत मेहनत करी फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो उदास नहीं होना कि यार अब कुछ नहीं होगा। सोच लेना कि अगर इसमें नहीं हुआ मतलब भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा है। तो कभी भी कुछ बुरा हो ना तो उसको आप पॉजिटिवली लो। नेगेटिव लोग आपके आसपास बहुत हैं जो आपको कहने आएंगे अरे यार ये हो गया तू तो छोड़ दे तैयारी तो कुछ नहीं कर सकता तेरे बस के। नहीं, आपके लाइफ में चाहे कुछ भी हो आपको पॉजिटिव रहना होगा, धैर्य रखना होगा। जो लोग धैर्य रखते हैं सबकी लाइफ में एक मौका आता है जब वो अपने आप को काफ़ साबित कर सकते हैं। तो आपको उस मौके का इंतजार करना है, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना, हमेशा मोटिवेट रखना है और मेहनत करते रहनी है। अगर कुछ नहीं भी हो पा रहा तो टेंशन मत लो, अगर कुछ नहीं हो रहा मतलब भगवान ने आपके लिए कुछ और ज़्यादा अच्छा सोच रखा है। आपको पता है हमारे देश में कैसे कितने बड़े बड़े एक्टर्स हुए हैं, राजनेता हुए हैं, जो कितनी कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ कर आए हैं। तो वो लोग सभी क्यों ऐसा कर पाए? क्योंकि उन्होंने धैर्य रखा, उन्होंने कभी धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। तो आप हमेशा धैर्य रखिए और आप अपने काम को करते रहिए, कर्म को करते रहिए। आप जानते होंगे KFC का नाम सुना होगा, KFC के बुजुर्ग कर्म सबने की स्टोरी सुनी है कि उसने 55 कितने साल तक वो बूढ़े होने के बाद बूढ़ा होने लगता है, सफ़ेद मुझे दाढ़ी इस तरीके से नीचे निकली हुई KFC में आपने देखा होगा। तो उस बुजुर्ग को जो कामयाबी मिली कितने साल बाद मिली, उससे पहले लोगों ने क्या क्या कहा, अरे तो कुछ नहीं कर सकता ये नहीं, लेकिन वो धैर्य रखा अपना काम करता रहा। तो अगर आपको कभी सफलता ना मिले तो टेंशन ना लें, मेहनत करते रहें, नेगेटिविटी अपने दिमाग में ना लेके आए, अपने आप को मोटिवेट रखें, डिमोटिवेट ना हो। आज की वाणी को, अपनी कहानी को यहीं समाप्त करूंगा। आई होप आपको इससे कुछ सीख मिली हो। रोज रात 8 आपका मैंने यूपी पुलिस के एक प्रैक्टिस स्टार्ट किया, वीडियो बना के डालता हूँ आप सबके लिए, तो वो देखते रहिए। और संडे को मोटिवेशन स्टोरी मिलेगी, उसे भी जरूर देखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।